बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बुक की रीडिंग करने वाले हैं बेटा। आज हमारा रीडिंग टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आए हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा है। अब ओवरऑल इसके पार्ट्स के बारे में और इसके पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ होल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर, ये एक कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है या एक मैनेजर के तौर पे जिसको कहें, ठीक है, एज अ मैनेजर वहाँ पे काम करता है फॉर द नर्वस सिस्टम। कि जितना भी आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है उस तमाम नर्वस सिस्टम के लिए एज अ मैनेजर काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कंपेयर्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये किससे मिलकर बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। देन अब फर्स्ट उसका पार्ट क्या है? ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है ब्रेन। तो अब हम ब्रेन की रीडिंग करते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल, के एक हड्डियों के ढांचे के अंदर ह्यूमन ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रेनियम, ठीक है। वो जो जिस ढांचे के अंदर ब्रेन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, और जो क्रेनियम होता है वो मिलियन ऑफ इंटर न्यूरॉन्स से मिलके बनता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट्स, और जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके फर्स्ट पार्ट क्या है? फोर ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो है एक हड्डियों के ढांचे के अंदर क्लोज होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो हड्डियों का उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम, और क्रेनियम जो है वो मिलके बनता है मिलियन ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, और इट इज़ डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट्स। इसको क्रेनियम को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट नेम इज़ फोर ब्रेन। फ्रॉम ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, कि फोर ब्रेन जो है दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट। अब आगे फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, ठीक है। फोर ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और इसके अंदर भी तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? लास्ट क्वेश्चन हमने याद किया था सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने ये तीनों नेम्स याद किए थे। होपफुली आप लोगों को भी पता होंगे कि फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। देन सेरिब्रम इज़ द मोस्ट टॉप एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम क्या है? किसी भी ब्रेन का सबसे ऊपर वाला, ठीक है, मोस्ट टॉप, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, और इट इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा। ये देखिए ये ब्रेन है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला आपको ये वाला सारा पार्ट नज़र आ रहा है, दैट इज़ द सेरिब्रम। इट इज़ द मोस्ट टॉप ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, कि ये ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हीमोस्फियर्स, इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया गया है। एंड सेरिब्रम कंट्रोल मैनी फंक्शंस, ये तो सेरिब्रम का स्ट्रक्चर होगी और उसकी प्रेजेंस होगी। देन इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल में मैनी एक्शंस, कि हमारी बॉडी में जितने भी एक्शंस होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। लाइक थिंकिंग, आप सोचते हैं, फीलिंग्स, किसी चीज़ को महसूस करना, इमोशंस, जज्बात, सीइंग, हेयरिंग और प्रिस्पिकेशंस, मेमोरीज, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, ये तमाम काम जो हैं ये किसके अंदर होते हैं? ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, ठीक है। उसके अंदर जितने भी ये, क्योंकि फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, तो इसके फंक्शंस जितने हैं वो तमाम आपकी किसी भी एक्शन के अकॉर्डिंगली है, कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, आपकी क्या, आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, और अगर किसी भी चीज़ को लेके आपने कुछ डिसीजन करना है, तो डिसीजन मेकिंग पावर्स जितनी भी हैं वो फोर ब्रेन की इसी पार्ट के पास होती हैं। देन इनसाइड सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर, ठीक है, सेरिब्रम के बाद उसके अंदर वाली साइड पे देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए, ये जो आप छोटे सा एक पार्ट देख रहे हैं ब्रेन का, स्मॉलेस्ट द पार्ट, दैट इज कॉल्ड द थैलमस, ठीक है। इट कंट्रोल्स मैनी सेंसर फंक्शंस, इसका क्या काम होता है? मैनी सेंसर फंक्शन मतलब किसी चीज़ को आईज, स्किन्स, टच, ये जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनको ही कंट्रोल करना थैलमस का काम होता है। देन हाइपोथैलमस ले एट द बेस ऑफ थैलमस। हाइपोथैलमस के किधर है? जो हमारा थैलमस था उसकी बेस में, ठीक है, उसके नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको ये एरो से नज़र आ रहा होगा, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। थैलमस ले एट द बेस ऑफ द थैलमस, इट इज़ कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, और प्यास लगी है या नहीं, इन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम होता है हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। देन अब ब्रेन का सेकंड पार्ट,
ठीक है, फर्स्ट पार्ट फोर्थ ब्रेन था, सेकंड पार्ट क्या है, मिड ब्रेन. एंड मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, कि ये ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है, विच इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम. ये देखें, मिड ब्रेन जो है यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज द मिड ब्रेन, और ये सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है. इट रिसीव्स, अब इसका फंक्शन क्या है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन को लेता है, विच इज़ देन पास, जिसको बाद में पास कर दिया जाता है ऑन अप्रोप्रिएट पार्ट्स. अप्रोप्रिएट पार्ट मतलब सूटेबल पार्ट, और या फिर मेन पार्ट जो कि एम होता है, ठीक है, देन पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, फोरब्रेन के किसी सूटेबल पार्ट की तरफ उस इंफॉर्मेशन को मूव कर देता है. ये फंक्शन होता है मिड ब्रेन का. ठीक है, आज के लिए हमारी इतनी ही रीडिंग थी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट. सो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रीडिंग की थी बुक से, तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था फोर ब्रेन, और उसी का आज हमने होमवर्क भी करना है. ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके फोर पार्ट हैं, पर आज हमने जो करना है, आपने होमवर्क में जो नीट कॉपी पे करना है, वो सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ फ्लोइंग फोर ब्रेन्स. ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, इसके तीन मेन पार्ट हैं, सेरेब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस. और देन सेरेब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये बहुत बड़ा ब्रेन का सबसे ऊपर ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है. इट इज़ कंट्रोल मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, सीइंग, मतलब कोई हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, कुछ काम करना है, हमने कुछ देखा है, वो सारे फंक्शंस जो है वो कंट्रोल करता है हमारा सेरेब्रम. देन सेरेब्रम के इनसाइड, मतलब उसके नीचे वाली साइड पे एक और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसे थैलमस कहते हैं. इट कंट्रोल मैनी सेंसर फंक्शंस, ये सिर्फ सेंसर फंक्शंस को कंट्रोल करता है. देन हाइपोथैलमस ले एट द बेस ऑफ थैलमस. हाइपोथैलमस क्या है, थैलमस के नीचे होता है. इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट, कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है. ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है अभी. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, यही लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन फर्दर करना है हमने. इसके फोर पार्ट है, जिसमें से सिर्फ आज फर्स्ट पार्ट है. ये आपका पूरा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हाफ क्वेश्चन है. ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट है, यही आपने कॉपीज पे करना है. अल्लाह हाफिज़.